चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले की, जहां पर कटनी जिले की सीमा से सटे हुए पन्ना जिले के शाहनगर के पुराना हाई स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल के प्राचार्य ने सभी 7 छात्राओं को शाहनगर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते छात्राओं को कटनी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। छात्राओं की तबीयत कैसे खराब हुई है इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि सभी छात्र छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो छात्राओं को ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया गया था। फिलहाल छात्राओं का इलाज जारी है। क्लास 10 के बाल बच्चे हैं, क्लास 9 के एक बच्चे हैं, कुल 6 बालिकाएं हैं। इसमें जो घटना अभी तक पता चली है, अभी हमारे चिकित्सक परीक्षण कर रहे हैं, घटना ये पता चली है कि एक बच्ची ने कुछ घबराहट को महसूस किया और उसको देख के बाकी बच्चियों को भी जो है थोड़ी घबराहट लगी। अभी 6 बच्चियाँ जो हैं वो स्थिर हैं, किसी प्रकार के उनमें लक्षण नहीं है और हमारे चिकित्सक जो हैं उनका परीक्षण कर रहे हैं। लक्षण सामान्य है, ऐसे किसी मतलब बीमारी के लक्षण ज्यादा है, घबराहट ज्यादा है और मौसमी सर्दी जुकाम जैसे लक्षण सामान्य पाए गए। सब ग्रुप में जनरली अगर आपस में सहेलियां हैं तो मतलब मानसिक स्तर और तनाव की वजह से हो सकता है।